नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव से लगभग साल भर पहले का सीडी कांड लोगों को अब तक याद है। भाजपा के एक मंत्री की कथित अश्लील सीडी को लेकर के महीनों तक हंगामा मचा। इस मामले में तब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोपी थे और अभी भी ये मामला अदालत में लंबित है। अब जब चुनाव स्तर पर है तब राजनीतिक गलियारों में फिर से सीडी की चर्चा शुरू हो गई है। पुरानी सीडी की कहानी के साथ साथ नई सीडी की अफवाह भी तेज हो गई है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं लेकिन अधिकृत तौर पर कोई भी जानकारी और कोई भी कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। सीडी का बम फूटेगा या गुस्सा होगा या फुस हो जाएगा, इसका तो केवल अनुमान लगाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को पहली बार बिलासपुर दौरे पर आ रही है। 7 महीने में ये उनका 5वां छत्तीसगढ़ दौरा होगा। वो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगी और संभाग में चुनाव माहौल बनाने के लिए जनसभा को संबोधित करेंगी। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने रैली और चुनाव सभा को प्रभावी बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में चुनावी माहौल बनाने के लिए शुक्रवार को भाजपा ने नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा शामिल होंगे और वही भाजपा के साथ ही सत्ताधारी दल कांग्रेस नेता और उम्मीदवार नामांकन रैली निकालने की तैयारी में है। इसी बहाने दावेदार भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की प्रभावी उपस्थिति का लक्ष्य तय किया गया। दुनिया भर में एडवांस मानी जाने वाली सेनाएं जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी उन्हें खरीदने जा रही है। तकरीबन आधा दर्जन घातक और आधुनिक हथियारों के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने G20 की बैठक के दौरान इजराइल के साथ साथ रूस से भी अनुबंध किया है। ग्लोबल टेंडर के जरिए खरीदी जाने वाली स्पाइनर राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर इजराइल के हैं। राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्यों में ईडी के छापे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए घबराहट में वो केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करना शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जानने के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।